guys, welcome to our channel. आज हम रिव्यू करने वाले हैं सोनी A8G OLED TV. A8G के बारे में अभी हम बात करेंगे. मैं आपको बताऊंगा कि इसको अनबॉक्स कैसे करते हैं, इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं. फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला फीचर इसका यही होगा कि यहाँ पर आपको घर पर खुद कुछ नहीं करना पड़ता. सोनी को कॉल कीजिए और सोनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं आपके घर पर आते हैं, वो आपके सब कुछ इंस्टॉलेशन अनबॉक्स सब कुछ कर जाते हैं. लेकिन अगर ये फैसिलिटी इंडिया में अवेलेबल है, क्या ये फैसिलिटी बाहर भी अवेलेबल है? आई डोंट थिंक सो. यूएस, यूके और यूरोपियन कंट्रीज में सब कुछ जो है आपको अपने आप करना पड़ता है, या फिर जो कोई बुलाते तो उसकी अलग से पेमेंट देनी पड़ती है. लेकिन यह फैसिलिटी यहाँ पर इंडिया में हमारे लिए अवेलेबल है और आई थिंक इट इज अ ग्रेट फैसिलिटी. आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ आपको इंस्टॉल करेंगे, फीचर्स बताएंगे, सब कुछ आपको करके वो बता देते हैं. लेकिन अब हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम इसको अगर अनबॉक्स करें तो इसमें दो क्लिप्स आगे की साइड है और दो क्लिप्स पीछे की साइड है. इन क्लिप्स को करने के लिए आपको यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस करना पड़ता है और ये यहाँ पर निकल के ऐसे आ जाता है. ऐसे ही अगर इसको करें तो यहाँ से क्लिक कीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए. टीवी के साथ आता है. बाकी इसमें जो वॉल पैनल है वो हमने लगा दिया है. मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगाया गया है. और जो इसकी पावर केबल है वो भी साथ में थी, वो भी हमने लगा दी है. और बाकी का ये जो है ये इसका स्टैंड है. आपके जो अगर किसी टेबल पे आपको स्टैंड पे लगाना है, ये इसके वो पैनल्स हैं. दिस इज IR ब्लास्टर. ये क्या है? इंफ्रारेड ब्लास्टर है. ये इसके नट स्क्रूज हैं, ये पावर, ये बैटरीज हैं इसके रिमोट की. रिमोट आपको इसको ऐसे नीचे स्लाइड करना है जरा सा हल्का सा, तो आपका जो है यहाँ से ये खुल जाता है और इसमें आप जो है यहाँ पर के जो है बैटरी ये लगा सकते हैं. दैट्स इट. और ये हो गया रेडी. अब हमने जो है टीवी वॉल पर वॉल माउंट के द्वारा इसको लगा दिया है और ना अब ये इंस्टॉल पूरा हो चुका है, सेटअप हो चुका है. और अगर आप चाहें तो ये टेबल बॉक्स, टेबल टॉप के लिए जो है आपका ये स्टैंड भी आता है. इसमें आप जो है पैनल्स लगाकर इसको लगा सकते हैं और ये कम से कम भी आपको 3 से 4 इंच का स्पेस जो है देता है. अगर आप लगा के देखना चाहेंगे जब भी आप टीवी लेंगे तो उस टाइम आप देख सकते हैं. 3-4 इंच का स्पेस ये क्यों छोड़ता है? क्योंकि अगर आप मान लो कि सोनी का साउंड बार जो आता है वो लगाना चाहें साथ में, तो उसके लिए इसके लिए पर्टिकुलर स्पेस दिया गया है, वहाँ उसके लिए पर्टिकुलर जगह दी गई है. तो हम इस बॉक्स को जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही बंद करेंगे. ये देखिए हो गया. और ये सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की. फीचर्स पे बात करें तो पहले इसके नाम से ही देखिए क्या है. इसका नाम OLED, सोनी ब्राविया OLED. OLED इज ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि अपर वर्जन है LED का. LED मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड. OLED में और LED में क्या फर्क है? फर्क बस उतना ही है जितना कि एक जो आप आम खाने का सामान लेते हैं, एक ऑर्गेनिक लेते हैं. दिस इज ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मीन्स 19-20 का फर्क होता है. आपके थोड़ी हेल्थ पे इफेक्ट, इसका थोड़ा अच्छा इफेक्ट रहता है. अब हम देखें तो इसके फीचर्स क्या क्या है. इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके पिक्चर क्वालिटी की. तो देखिए इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, इट कम्स विद ट्रायल ल्यूमिनस पिक्चर क्वालिटी. ट्रायल ल्यूमिनस मीन्स बाकी अगर आप जो दूसरे LED टीवी हैं, स्मार्ट टीवी से कंपेयर करेंगे तो इसकी पिक्चर क्वालिटी उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छी है. ये टीवी जो है सेटअप हो चुका है. अगर आप देखें तो सेटिंग्स में जाकर इसमें ऐसे आता है. इनिशियल सेटअप में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से जो है आपका कुछ ऐसा दिखेगा. मेरा जो कनेक्टेड पोर्ट पहले से ही है, अगर वो चेंज मैं अगर चेंज भी करना था यहाँ से आगे चेंज कर सकता हूँ. यहाँ से आपको देखिए जो है मेरा वाईफाई कनेक्शन है, इसको जो है कनेक्ट कर दिया. कनेक्ट करने के बाद जो है ऐसा दिखाएगा. उसके बाद जो है आपका
ब्राविया के देखिए पॉलिसीज आ जाएंगी, इसको आपने जो है एग्री टू ऑल कर देना है और यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। और ये अब जो है लिखा हुआ है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड, जो भी आपके अपग्रेड्स आएंगे, अपडेट होना होगा टीवी में, जो इसकी जो प्रोसेसिंग है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अपने आप यहाँ पर कर लेगा। सेटअप बॉक्स है, मैंने अभी नहीं किया, बाद में कर लूंगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप जो डिजिटल एनालॉग को कर दीजिए, इसको वापस करते हैं, इसको स्किप करके यहाँ से इसको स्किप कर देते हैं। और मेरा जो है मेरा वॉल माउंट है, पोजीशन, रिमोट स्टार्ट ऑन, इसको बाहर ऑफ रखते हैं, बाद में देखेंगे इसे। सेटअप जो है आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आप देखें जो जो पिक्चर क्वालिटी में देखें तो यहाँ पर डिस्प्ले में जाकर आप जो है इसके पिक्चर पे पिक्चर मोड को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। पिक्चर मोड को हमेशा चेंज करना चाहिए, मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि जैसे आपके घर की लाइटिंग है उस हिसाब से आपका जो है टीवी का पिक्चर मोड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कस्टम है, सिनेमा, स्पोर्ट्स, कई सारे पिक्चर मोड्स हैं, तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये विविड किया हुआ है, घर की लाइटिंग के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, कस्टम कर दीजिए, सिनेमा प्रो कर दीजिए, लेट्स से सिनेमा प्रो, बाद में आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। ऑटो पिक्चर मोड भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस देखिए कितनी करनी है आपने, मैक्सिमम रखनी है, मैक्सिमम इज अप टू 50, सो लेट्स से 45 मैक्सिमम, ओके। कलर जो है फुल है, मेरे सेंसर्स ऑन है। उसके बाद जो है देखिए अब जो है हम जाते हैं इसमें, यहाँ पर होम बटन है, होम, जैसे हम होम बटन दबाएंगे तो कुछ ऐसा निकल के आएगा। इस टीवी में आपको यहाँ पर देखिए गूगल प्ले, नेटफ्लिक्स जो है इनबिल्ट इन रिमोट आता है। नेटफ्लिक्स आप जैसे इसको दबाएंगे सीधा जो है आपका नेटफ्लिक्स जो है चल पड़ेगा। देखिए जो है नेटफ्लिक्स आप कुछ भी जो भी अगर आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके रिमोट की तो इस रिमोट में कई सारे फंक्शंस हैं। ये इसका ऑन और ऑफ का, देखिए ऑफ हो गया, यहाँ इसको प्रेस कर देंगे यहाँ पर ये फिर से ऑन हो जाएगा। ये आपका है गूगल असिस्टेंस के लिए, देखिए इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके जो है देखिए गूगल असिस्टेंस आ गया, प्ले मी ए सॉन्ग, देखिए इसने ये है यूट्यूब खोल दिया, यहाँ पर आप जो है चला सकते हैं। और इस गूगल असिस्टेंस की मदद से आप जो है अपने ऐप भी जो है खोल सकते हैं। अब देखिए नेटफ्लिक्स का मैंने बता दिया था, यहाँ पर जो चैनल सब लगाना हो अगर, फिर यहाँ पर आपके अगर कोई आप वीडियो प्ले कर रहे हैं इसमें तो यहाँ से आप इसको फॉरवर्ड, बैक और स्टॉप, इसके फंक्शंस हैं यहाँ पर आपके। ये म्यूट का ऑप्शन है, म्यूट का ऑप्शन है यहाँ पर, ये प्रोग्राम्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी ऐप्स आ जाती हैं, इसको प्रेस करेंगे तो आप जो है यहाँ पर ये ऐप्स निकल के आ जाएंगे और यहाँ पर जो आपको ऐप जो है जो भी चलानी हो वहाँ से चला सकते हैं। मेनली मैं ये कहूँगा अगर आपको ऐप कोई चलानी भी है तो आप इसको होम बटन दबा के जो है वो यहाँ से चूज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो आपका सोनी A8G आता है ट्राई ल्यूमिनस पिक्चर क्वालिटी के साथ, जो कि डॉल्बी विजन पिक्चर क्वालिटी है। इसमें डॉल्बी विजन पिक्चर क्वालिटी अगर आप समझना चाहें तो जो कि थिएटर्स में यूज होती है। डॉल्बी में क्या होता है कि अब टीवी पिक्चर क्वालिटी जो कैसी भी हो उसको लाइट एमिटिंग के थ्रू उसको बढ़ा देता है और पिक्चर क्वालिटी आपको बिल्कुल अच्छी प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखना चाहें, इसमें कंपेयर करना चाहें, तो वो सिर्फ आप जो है कलरफुल वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। वैसे मैंने ये वीडियो चलाया है तो आप इसमें पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी आप दो टीवी को कंपेयर करके भी, जैसे कि आमने सामने अगर हो तो उसमें कंपेयर करके ही बता सकते हैं भाई कौन सी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। अदरवाइज तो जैसे कि मेरे सामने टीवी तो मुझे यही अच्छा लगेगा और आपके घर पर जो टीवी आपको में भी वही अच्छा लगे। बट जो A8G आपका OLED TV जो है इट कम्स विद द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी इन जो भी आज के टाइम में जो TVs आ रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी में आता है। साथ ही ये आता है 4K HDR के साथ, हाई डेफिनेशन 4K रेजोल्यूशन में जो है आप इसमें वीडियोस देख सकते हैं। और अब अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो A8G आता है आपके अकोस्टिक साउंड सरफेस क्वालिटी के साथ। इट मीन्स
आपके सिर्फ स्पीकर से ही आवाज नहीं आती, इसके जो है सरफेस से आवाज आती है. लेट मी शो यू लिटिल बिट. मीन्स अब अगर कैरेक्टर यहाँ पर है तो यहाँ से आवाज आएगी, अगर कैरेक्टर यहाँ पर यहाँ से आवाज आएगी. अकॉस्टिक साउंड सरफेस में आपके जो है दो सबवूफर इस साइड होंगे, दो सबवूफर इस साइड है और आपके स्पीकर से यहाँ पर आपके नीचे मिलते हैं आपको. दोस्तों अब एक टीवी में अगर हम बात करें तो क्या उसकी पिक्चर क्वालिटी है, क्या उसकी साउंड क्वालिटी है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. साउंड क्वालिटी जो है आपकी अकॉस्टिक है, डॉल्बी सिस्टम इसमें लगा हुआ है, ऐसे ही डॉल्बी विजन के साथ इसकी पिक्चर क्वालिटी है, ट्रायल ल्यूमिनस है. दोस्तों ये टीवी आता है 4 HDMI पोर्ट्स के साथ और ये पोर्ट्स आपके साइड में दिए हुए हैं. इस टीवी की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पर साइड में भी आपके पोर्ट्स हैं जो कि आम टीवियों में देखने को नहीं मिलते. इसमें यूएसबी भी है, देखिए दो यूएसबी के ऑप्शंस दिए हुए हैं. अब इसमें मैं जो है ये ब्लूटूथ वाले जो आपके कीबोर्ड माउस है वो भी इसमें लगा सकता हूँ. ये देखिए इधर, ये आपने इसमें यहाँ पर जो है आराम से जो है ये लग जाता है, ये लग गया. चलिए हम साथ साथ जो है इसमें HDMI केबल भी लगा देते हैं. एक पोर्ट इसका यहाँ पर है, बाकी इसके तीन पोर्ट पीछे की साइड हैं जो कि अगर आप टेबल टॉप पे इसको लगाते हैं तो वहाँ पर आप इसके इसको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर इसके ऑन ऑफ का स्विच ऑफ का बटन है, प्लस फिर इसके वॉइस को अप डाउन करने के लिए है. यहाँ पर ये वाला ब्लैक वाला जो है इसका यहाँ पर ये है IR बूस्टर के लिए, IR मीन्स इनफ्रारेड बूस्टर, जो कि आप सेटअप बॉक्स को भी एक ही रिमोट से टीवी के रिमोट चला सकते हैं. ये आपका ऑडियो के लिए, ये आपका वीडियो के लिए है. और ये देखिए यहाँ पर आपके जो है सब वूफर्स, इसके जो स्पीकर जो यहाँ पर लगे हुए हैं. अब जब मैंने इसमें कीबोर्ड और माउस जो ब्लूटूथ वाला वो लगा दिया है उसका ब्लूटूथ जो इसमें, तो इसको हम अब जो है कंट्रोल कर सकते हैं कीबोर्ड से भी. देखिए मैं इस कीबोर्ड से इसको जो है यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ. और साथ ही आप इसको जो है माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं. ये माउस है, मैंने डेल का माउस यूज़ किया है. नॉर्मल आप किसी भी माउस से इसको कितने भी दूर से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं. देखिए वहाँ पर आपको जो है दिख जाएगा, ये सिंपल आप इसको बाय माउस यूज़ कर सकते हैं, रिमोट यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. अब जब हम टीवी की बात करते हैं तो अब इसके हम इसमें ऐप्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चलता है. और यहाँ पर देखिए ऐप्स में जाकर आप जो है इसमें पहले से इनबिल्ट आते हैं ये नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, सॉरी यूट्यूब, गूगल प्ले, जी सिनेमा, हॉटस्टार, G5 और कुछ जो है आप डाल सकते हैं. यहाँ से भी आप जो है अपने ऐप्स जो है डाल सकते हैं. इसमें देखिए जो है बिग फ्लिक्स है आपके यहाँ पर, और इसका जो प्ले स्टोर है देखिए गूगल प्ले स्टोर. ये देखिए यहाँ पर डिज्नी है, प्लूटो टीवी, टैड, रेड बुल, दे आर सेवरल ऐप, बहुत सारी ऐप्स हैं. आप जो भी आपको यूज़ करनी है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं. जो कि आप अब जो ऐप वैसे जो मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर जो अवेलेबल होती हैं वो यहाँ पर सारी अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म जो है अलग रहता है. जो भी यहाँ पर अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं. बहुत सारे गेम्स हैं, वीडियोज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं. जो नहीं मिलता, जो सबसे एक जो मेन ऐप है जो नहीं मिलती यहाँ पर वो है जियो टीवी की, जिससे आप कोई भी चैनल देख सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं मिलता. उसके लिए आपको जो है जियो फाइबर का कनेक्शन लेना पड़ेगा. वापस चलते हैं. जैसे मैंने बताया कि नेटफ्लिक्स का इसमें जो है इनबिल्ट यहाँ पर बटन है. यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. देखिए यूट्यूब है इधर, फिर जो है जियो सिनेमा, कोई भी मूवी अगर आपने देखनी हो इधर से आप जो है एक्सेस जो है कर सकते हैं. अब मेन बात जो आती है इसकी आती है व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस टीवी. जो 55 इंच हमने ये लिया हुआ है, 55 इंच का जो प्राइस है दैट इज 24990, दैट मीन्स अराउंड 2.5 लाख रुपए का प्राइस का MRP है. बट आपको जो है ये
किसी स्टोर पे जाए या फिर ऑनलाइन देखें तो इसकी प्राइस जो है आपको 35-40% कम पे आपको ये मिल जाता है। मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप जो है ऑनलाइन ना खरीदें, मेरी अब यू डोंट नो कि आपको वहां पर क्या मिल रहा है। स्टोर पे जाके देखें तो स्टोर पे जब मैंने इस टाइम ये टीवी लिया था उस टाइम पर जो हमने पाया कि हमारा जो स्टोर प्राइस है वो ऑनलाइन से काफी सस्ता मुझे पड़ा, वो वहां से मैंने लिया। वहां पर मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से चेक करके ले सकता हूँ, आप जो है ऑनलाइन वो नहीं कर सकते। ऑनलाइन प्राइसेस भी जो है आपके काफी महंगे रहते हैं कभी कभी। अब अगर आप फेस्टिव ऑफर चलते हैं, फेस्टिव जैसे भी आने वाला रक्षाबंधन आ रहा है, दिवाली है, होली है, उस टाइम पर जाए तो क्या पता कोई और ऑफर्स भी मिल जाए। हमें जो इसमें ऑफर मिला वो मिला था हमें ऑक्टर के स्मार्ट होम अप्लायंस से, जिसमें आपके जो है सॉकेट है ऑनलाइन, आपका जो है कैमरा है होम इसमें यूज कर सकते हैं, काफी चीजें हैं वो मैं आपको अगले रिव्यू में दिखाऊंगा। आप मेरा अगला वीडियो उसमें देख सकते हैं कि कैसे उसको यूज करना है और आप उसको टीवी में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का रिव्यू सोनी A8G 55 इंच OLED टीवी का। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अलग आगे से भी अलग अलग टाइप के जो है रिव्यूज मिलते रहें। सो थैंक यू गाइस।